हेलो गाइज, वेलकम टू ओशन ऑफ ज्ञान। गाइज, इसके जस्ट पिछले वाले लेशन में मैंने बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप कि वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते, और नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। यहाँ पे एस दे देते हैं। चलो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ऑब्वियसली से बात है कि यहाँ पे फोर वेक्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर टी। चार वेक्टर है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इज रिटन एज ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। एंड इसको हम डिफाइन करेंगे, जो डिफाइन करने का तरीका है, डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। इसका डिफाइन करने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से है। बट इसका जब हम फाइनल करेंगे, मतलब अगर हम डिटरमिनेंट को भी इसको सॉल्व करेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया डिफाइन करने का तरीका है, यानी कि वेक्टर फोर यानी स्केलर ट्रिपल ऑफ फोर वेक्टर्स को डिफाइन करने का तरीका ये हुआ। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। ओके, अब चलो इसको प्रूव करते हैं कि ये चीज आया तो आया कहाँ से। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी जो है वो एक वेक्टर पी है। ये चीज जो है यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इसको हम पी मान लिए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यानी कि पहले था ये चीज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, फिर डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी था। अब इसको मैंने पी मान लिया, तो हो जाएगा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज क्या है। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी जो होता है वो चीज़ जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था वेक्टर ए बी सी को लिखने का तरीका इस तरह से है, इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है ना। तो ये चीज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस पी की जगह पे यहाँ पे सी है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बस सी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए बी पी। अब फिर देखो इस चीज़ को यानी कि वेक्टर ए बी सी को डिफाइन करने का दो तरीका है, एक तो ए बी सी ब्रैकेट यहाँ पे देने का, और फिर उसके बाद यहाँ पे वेक्टर ए डॉट और फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी में ब्रैकेट देने का है। ओके, तो ये चीज़ मैंने बताया था, अब वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर पी, इस तरह से। ये इसी तरह से मैं लिखा हूँ वेक्टर ए बी सी, बस यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे वेक्टर ए और बी सी को जो है उस एक ब्रैकेट में कर दिया हूँ, उसी तरह से यहाँ पे बी पी को जो है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो, अब ये जिस तरह से है उस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये वेक्टर ए, ओके, डॉट, अब ये चीज जो है वेक्टर बी को हम उसी तरह से लिखेंगे क्रॉस। अब यहाँ पे वेक्टर पी जो है, वेक्टर पी का हम क्या माने थे, यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर पी को हम माने थे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, है ना। अब देखो ये मैंने पिछले वीडियो में, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ये चीज जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोजेक्ट है, तो इसको हम कैसे निकालते थे वो देखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दिखा देता हूँ मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये चीज़ को हम इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और इस ये चीज़ को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ओके, इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसको देखना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी ये है, तो मीन्स ये वाला इस तरह से, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी।
अब यहाँ पे है सी डी की जगह पे यहाँ पे बी सी है और बी की जगह पे यहाँ पे ए है, ओके। बस यहाँ पे वैल्यू आपको चेंज कर देना है, क्या है एक जगह पे क्या है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे एक जगह पे बी है तो यहाँ पे जितने भी ए है सभी जगह पे बी लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा वेक्टर बी डॉट। अब यहाँ पे वेक्टर सी है तो यहाँ पे वेक्टर सी की जगह पे क्या है यहाँ पे वेक्टर डी है, तो यहाँ पे लिखना है वेक्टर डी, और वेक्टर बी की जगह पे क्या है यानी कि इसके जगह पे ये है यानी कि यहाँ पे सी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी। फिर माइनस, फिर यहाँ पे वेक्टर ए की जगह पे यानी कि इस एक जगह पे ये है तो यानी कि यहाँ पे आपका बी है, तो यानी हो जाएगा वेक्टर बी डॉट। और फिर यहाँ पे बी की जगह पे यहाँ पे क्या है यानी इसको देखना है, बी की जगह पे यहाँ पे है आपका सी, तो यहाँ पे लिखना है वेक्टर सी। और फिर यहाँ पे सी की जगह पे आपका डी है यानी कि इसकी जगह पे लिखना है डी, तो ये आपका फाइनल बना इस तरह से। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज़ जो है बना वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, फिर वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी। अब ये जो वेक्टर ए जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट में है डॉट में लिख देते हैं और ये सबका डॉट होगा, ओके। अब यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे डॉट करना है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ तो डॉट में है तो ये चीज़ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी तो होगा ही, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ओके, माइनस हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो डॉट में खुद है ही, तो यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ये डी है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, और यहाँ पे है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यहाँ पे बस ये इंटू है तो दोनों, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको आप किधर से भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, माइनस यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ओके। तो ये आ गया और ये प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर किस तरह से हम निकाल सकते हैं, किस तरह से इसका डिफाइंड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ जब भी आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स दिया जाए और इसका डिफिनेशन या फिर पूछे डिफाइंड करने का तरीका, तो वो ये चीज़ होगा, तो ये चीज़ एक तरह से फॉर्मूला हुआ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। When I see you dancing, I'm like, oh, la, oh, la, oh, la.